पहली बात तो शब से जुड़े सारे लोग जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, चाहे संजय सूरी हो, अनीर हो, रवीना हो, और जब दोस्त एक खूबसूरत फिल्म लेकर आते हैं तो उनकी हौसला अफजाई के लिए साथ में होना अच्छा लगता है। एंड आई एम श्योर अनीर ने इतनी खूबसूरत, इतनी सेंसिटिव फिल्म्स बनाई हैं, सो दिस ऑफ कोर्स लुक्स लाइक वन ऑफ दोस्त, एंड आई एम हियर टू चीयर देम अप। यस, आशीष को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और मैंने अभी उनका काम देखा नहीं है, लेकिन आई एम श्योर अनीर ने उनसे बहुत खूबसूरत काम निकलवाया होगा, एंड इतने सारे कमाल के टैलेंटेड यंगस्टर्स आ रहे हैं, इट्स ग्रेट टू हैव देम, इट्स अ वेलकम थिंग, एंड जस्ट विशिंग देम ऑल द बेस्ट। मिलना जुलना अभी आधा तो हो गया, आधा आपने अभी होने नहीं दिया, इंटरवल में करेंगे, लेकिन इट्स लवली टू वॉच फिल्म्स विद योर फ्रेंड्स, और शब से मेरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं, लव ऑन यूर्स वर्क जी। वेल, इट इज़ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट फिल्म्स, मेरा बहुत ही पसंदीदा रोल है, एंड आई थिंक ट्रेलर को बहुत सारा प्यार मिला है, और मुझे कुछ कंट्रोवर्सीज मिली हैं खामखा की, बट या आई विश माय टीम ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ बाबू मोशाय। आई डोंट नीड टू थ्रो एनी लाइट, आई डोंट नो वेयर दैट केम फ्रॉम, इट्स रिडिकुलस रियली, सो थैंक यू। यस, आई वाज हियर बिकॉज़ आई हैड टू गो समवेयर। यस जी, जी रोड सेफ्टी के लिए सबसे पहले तो खुद के लिए ध्यान देना, बेल्ट्स बांधना, रैश ड्राइविंग ना करना, अल्कोहल लेकर ना पी ड्राइव करना, और जो हमें एक ज़िद मच जाती है कि वो आगे गया तो मैं उससे और आगे जाऊं, हमारी तरह के ट्रैफिक में आई थिंक वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, सो ये सब चीज़ों का अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान रखें तो इट विल बी रियली गुड। मेरे अंदर इस टाइम पे मतलब अभी तो बहुत सारे इमोशन चल रहे हैं, मैं एक्साइटेड भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ, और मैं बड़ी मतलब एक बहुत खुशी हो रही है कि मेरी फर्स्ट फिल्म, एक सपना होता है हमेशा बचपन से कि एक दिन बॉलीवुड में फिल्म करेंगे, तो पहली फिल्म आ रही है, तो काफ़ी सारे इमोशंस एक साथ चल रहे हैं, और आपको समझ नहीं आएगा कौन सा वाला इमोशन ज़्यादा कौन सा कम है। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत एक्साइटेड भी हूँ। मैं बस अभी उनके फीडबैक का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो फिल्म देख के आएंगे तो उन्हें कैसी फिल्म लगती है, और ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है कि इंडस्ट्री के लोग, इतने सीनियर लोग, दिव्या मैम वो सपोर्ट कर रही हैं हमें, और ख़ासकर मैं तो इंडस्ट्री के बिल्कुल बाहर से हूँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात है न्यू कमर के लिए कि इंडस्ट्री के सारे बड़े लोग आए हैं फिल्म देखने के लिए, और देखते हैं क्या कहते हैं फिल्म के बाद। देखो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि मैंने यहाँ से शुरू किया, तो एज एन एक्टर मैं स्ट्रांगली आऊँगा, और मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया एज ए ह्यूमन बीइंग। क्या होता है ना कि पहली फिल्म जो होती है वो हमेशा आपके हाथ में नहीं होती है, आप चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे पहली फिल्म एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर के हाथ काम करने का मौका मिला, जो इससे पहले लास्ट फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड ले आ चुके हैं, और तो मैं इसे लकी मानूंगा अपने आप को कि उन्होंने मुझे चूज़ किया, इस फिल्म में चांस दिया, फिर बहुत सारी वर्कशॉप्स ली एक्टिंग की, फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि इंडस्ट्री में किस तरह से काम करना है, किस तरह का सिनेमा देखना है, और अच्छा सिनेमा किस तरह का होता है, तो ये मेरे लिए एक अच्छा लर्निंग लेसन रहा पूरी फिल्म। थैंक यू। अच्छा नहीं, मुझे उसका उसका अंदाज़ा नहीं है। देखिए जो पोस्टर होता है वो एक स्टैटिक मीडियम होता है, और स्टैटिक मीडियम के ज़रिए आप कुछ हद तक की अपनी एक फील, एक कहानी का एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहानी नहीं एक्सप्रेस कर सकते, और मैं ये स्टैटिक मीडियम को लेके ट्रेलर तक भी उसकी बात भी करूँगा कि हम पे बहुत प्रेशर रहता है कि 90 सेकेंड या 2 मिनट में एक कहानी जो 2 घंटे की हो, 100 मिनट की हो, 2 घंटे से ज़्यादा की हो, कि वो दर्शकों को भाई फिल्म समझ आ जाए ट्रेलर से ही। तो ट्रेलर एक स्नीक पीक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से एक फिल्म
की कहानी को जस्टिस नहीं कर पाता, एक बस एक फील के लिए ही होता है, और जो उसका काम होता है थोड़ा सा थोड़ा लोगों को एक अंदाज़ा देना कि किस किस्म की फिल्म है, और एक वन लाइन कहानी का चलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ ट्रेलर्स हैं जो जो अगर कहानी बिल्कुल सिंगल लाइन सिंपलिस्टिक कहानी है, भाई ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ और फिर ऐसा हुआ, तो वो थ्री एक्ट स्ट्रक्चर जो फॉलो किया जाता है कहानियों में, अगर वो हो तो फिर ट्रेलर जस्टिस कर पाता है। मुझे खुद लगता है शब फिल्म में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी कहानियाँ और इतने पहलू हैं जो हमारे ही ट्रेलर है, लेकिन मुझे लगता है वो ट्रेलर जस्टिस नहीं कर पाएगा। ओके, रवीना कितना सरप्राइज करेंगी, और यू नो लेकिन इट वाज ऑलवेज देयर इन योर हेड समवेयर डाउन लाइन, यू पीपल वांट रवीना टू बी अ पार्ट ऑफ इट। देखिए, जब ये कहानी जब सोचा था और तब रवीना इस फिल्म का हिस्सा थी, मैं भी था एज एन एक्टर ऑल्सो, लेकिन वक्त लगा और फिर हमने बाकी फिल्में बनाई, और फिर जब ओनर ने सोचा कि शब को रिविज़िट किया जाए और बनाया जाए, तो रवीना जो किरदार अब प्ले कर रही हैं वो नहीं कर रही थी, वो दूसरा कर रही थी, रायना का जो अर्पिता कर रही हैं। तो लेकिन शुरू से ही जहन में रवीना थी, उनको सोच कर ही ओनर ने उनका किरदार लिखा, और 15 साल बीत गए तो मैं भी ज़्यादा बड़ा हो गया, और फिर सोचा कि यंग नया एक्टर लिया जाए, तो रवीना वो तब भी जुड़ी थी फिल्म से और अब भी जुड़ी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।